शेयर और स्ट्राइक रेट की बात हो रही थी, मैं यहाँ याद दिलाना चाहूंगा 2015 में भारतीय जनता पार्टी को कम सीट मिली थी मगर हमारा वोट शेयर हाईएस्ट था, इसलिए स्ट्राइक रेट महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है, यहाँ पर कई लोगों ने कहा और आरजेडी के प्रवक्ता ने शालीनता के साथ कहा कि तेजस्वी यादव का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। मैं यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे और आरजेडी के प्रवक्ता बैठे हैं, दोनों से पूछना चाहता हूँ 2024 में नरेंद्र मोदी जी के सामने पीएम फेस कौन होगा? राहुल गांधी जी महागठबंधन जो आप लोग बनाएंगे, जिसको हम लोग ठगबंधन कहते हैं, उसके फेस राहुल गांधी होंगे या तेजस्वी यादव होंगे? ये आशुतोष जी भी जवाब दे सकते हैं या अखिलेश जी भी जवाब दे सकते हैं, कौन होगा? नहीं, 2013 से मैं डिबेटों में भाग ले रहा हूँ, इस प्रकार का संतुलन बिगड़ना मैं पहली बार देखता हूँ। पहले धीरे धीरे संतुलन बिगड़ता था, अब पूरी तरह संतुलन बिगड़ गया है। मैं समझ पा सकता हूँ, बहुत दुख भी हो रहा है अपने बड़े भाई को इस परिस्थिति में देख करके, मगर देखिए इन्होंने बताया घर लूट लिया, लुटेरा बैठा हुआ है, ईडी आ गया, इनकम टैक्स आ गया, इनका इलेक्शन कमीशन भी चोरी कर रहा था, ईवीएम मशीनों खराब था, सब कुछ खराब था, तो ये राहुल गांधी आज छुट्टी में क्यों चले गए? आज सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था, हल्ला काट देना था पूरा ना, दंगल करना था, यहाँ लूट हो गया, वहां लूट हो गया, पेपर ला के दिखाना चाहिए था। ये मुस्कुरा रहे हैं देखिए, और राहुल गांधी अपने दोस्तों के साथ जैसलमेर में गए छुट्टी मनाने के लिए, कमाल की बात है। यहाँ पर इनके प्रवक्ता छाती पीट के रो रहे हैं कि सब जगह लुटेरे बैठे हुए हैं, और कल हम जीत गए, हम बिहार जीत गए, हम गुजरात जीत गए, हम कर्नाटक जीत गए, हम मणिपुर जीत गए। अगर जीत गए तो जीत का पहले आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था, और अगर लूट करके हार गए हैं तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था। अरे 100 टन का पत्थर रख रख के राहुल गांधी को कब तक बचाएंगे? राहुल गांधी ने जिसको जिसको छुआ है वो समाप्त हो गया है। हाथी को छुआ, हाथी क्या हो गया? साइकिल के कैरियर पर बैठा, देखिए साइकिल पंचर पड़ी हुई है, और तो और अब लालटेन को बुझा के आना है। लूट करके लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद वापस आते, बहुत दबाव है ब्रेक लेने का। देश का संविधान हमें जस्टिफिकेशन देने की आवश्यकता नहीं है, जस्टिफिकेशन आप दीजिए कि आपकी पार्टी के बाहर नहीं रखा देगा, और अपना फ्रस्ट्रेशन कहां कहां निकालिएगा, कौन हारा है, कहां कहां निकालिएगा, कहां कहां निकालिएगा फ्रस्ट्रेशन? हम जीते हैं, हम बिहार में जीते हैं, आप कल सारे चुनाव जीते, कर्नाटक में जीते हैं, गोवा में जीते हैं, और सारे चुनाव कल आप जीते हैं सर, मुझे बताइए उत्तराखंड में क्या किया? फिर तो आप मुझे बताइए सर, फिर आप मुझे बताइए, छोड़िए जी के समय से चुनाव हम ही जीत रहे थे, सारे चुनाव तो हम ही जीते। अरे कभी लूटा क्या उपचुनाव के नतीजे पर चर्चा हो रही है, उपचुनाव के नतीजे पर चर्चा हो रही है। अरे सुनिए, एंटी डिफेक्शन फिर किस लिए है? अरे भाई किस लिए है? आप तोड़ लीजिए, खरीद लीजिए, राज्यसभा के चुनाव में उत्तराखंड से शुरू करिए, ज्योतिराबित राम मिले के बोल रहे थे आप लोगों से पार्टी। जी जी रुकिए, अच्छा प्रश्न उठाया आपने। आप जैसे लोग कल कहेंगे कि घर में डकैती हो गई, आप बचे क्या, बचाया क्यों नहीं आपने? अरे आप जिस तरह से जस्टिफिकेशन दे रहे हैं सर, आपके घर से आपका अपना भाई लेके भाग गया आपके परिवार के लोगों को, क्या कर दे रहा है, क्या आपका अपना भाई था, आपकी सोच टीम का हिस्सा था, आपकी सोच टीम का हिस्सा था अखिलेश जी, आपकी तो फैमिली में रहेगी वहां तक, लेकिन उसके बाद भी अगर आप उसे धमकी दे रहे हैं, सुनिए सुनिए सुनिए, ठीक है क्या जस्टिफिकेशन कर रहे हैं? मेरा जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं, आपको दे रहे हैं सकते हैं, मुझे आपसे जस्टिफिकेशन आपने दे रहे हैं जी, और आप तलाश रहे जस्टिफिकेशन, तब से जस्टिफिकेशन तलाश रहे, राजस्थान में लूट लो जहां मन कर वहां लूट लो, कहो आप बचा क्यों नहीं पाए? तो फिर कानून किस लिए है, संविधान किस लिए है, मर्यादा किस लिए है उन्होंने झेली कमलनाथ की वजह से इसीलिए निकले, भी नहीं आते धन है आप लोग, अखिलेश जी सुनिए ना, आप लोग सुनिए ना, सुनिए सुनिए क्या जगह। अरे सर अब मिलेंगे तो फिर क्या उसके बाद क्या ही कहा, लेकिन सुनेंगे तो मैं तो हाथी जोड़ सकता हूँ, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए ना, मैंने गालिब जा रहे थे, गालिब जा रहे थे कहीं उनके सामने एक प्राणी आ गया सर, अब उन्होंने हाथ जोड़ दिया, मैं सुनते चाहता हूँ तुम तो क्या ही सुनोगे, तो या तो मैं हाथ जोड़ लूँ आपके आगे कि भाई आप तो क्या ही सुनेंगे, और सुन रहे तो एक बात बता दूँ,
एक शेर है सर, बताइए। उस शेर ये कहता है कि तमाम उम्र मैं ये भूल करता रहा, तमाम उम्र मैं ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईने को साफ करता रहा। अब आप सर आईना ही साफ कर लीजिए, मुंह मत धोइएगा कभी। अमित पात्रा जवाब सुनिए, जवाब अपना कभी कबूल न करता रहा।